नमस्कार, एटीवी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। समस्तीपुर में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली से समीक्षात्मक बैठक हुई। समस्तीपुर बैठक में अपर समाहर्ता, सहायक समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, निदेशक लेख एवं प्रशासन एवं संबंधित पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नांकित निर्देश दिए गए। कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि 5 एकड़ से अधिक वाले 25 तालाब को लिया गया है, जिनमें प्राप्त राशि के अनुसार 7 पर कार्य प्रारंभ किया गया एवं 5 का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष बचे 18 से 6 का प्राकलन तैयार कर स्वीकृत हेतु भेजा जा चुका है। कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल समस्तीपुर को निर्देश दिया गया है कि जिन तालाबों को पूर्ण कर लिया गया है एवं भिंडा पर जहां से अतिक्रमण हटवाया गया है, उन भिंडों पर चारों तरफ 20-20 फीट की दूरी पर सीमेंट वाला छोटा छोटा पिलर 1 सप्ताह के अंदर लगवाना सुनिश्चित करें, ताकि उसका सीमांकन भी हो जाए एवं वहाँ पुनः अतिक्रमण नहीं हो सके। आगे भी पूर्ण की जाने वाली सभी योजनाओं को इसी प्रकार सीमेंट का पिलर लगवाना सुनिश्चित करेंगे। चेक डैम एवं नल जल स्रोतों का सृजन कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि छोटी छोटी नदियों में चेक डैम का कार्य कराने हेतु मोरवा एवं सराय रंजन प्रखंड अंतर्गत नून नदी को चिन्हित किया गया है। कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य प्रखंडों में भी जहां चेक डैम बनाया जा सकता है एवं दल सिंह राय प्रखंड अंतर्गत वलान नदी में चेक डैम निर्माण को चिन्हित कर अगली बैठक से पूर्व अधोस्ताक्षरी से तिथि निर्धारित कर अपने अधीक्षण अभियंता के साथ चेक डैम हेतु चयनित स्थल पर निरीक्षण सुनिश्चित करें। समस्तीपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट।